अध्याय सात धर्म सुधार और प्रबोधन सन 1300 सौ से अठारह सौ पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह मध्यकाल के अंत में नई सोच और कलाबोध का विकास हो रहा था हमने यह भी देखा कि किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों के आपस में मेल मिलाप से सीखना सिखाना शुरू हो गया था धर्म इन सब बातों से कैसे अछूता रह जाता मध्यकाल के अंत में हम व्यापक पैमाने पर लोगों के धर्म और विश्वास में बदलाव देख पाते हैं यह भारत और इस्लामी देशों में क्रमशः भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में हुआ यूरोप में रेनासा और वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ एक महत्वपूर्ण आंदोलन ईसाई धर्म में सुधार लाने का चल रहा था इन सबके बाद यूरोप में एक नया वैचारिक आंदोलन चला जिसे प्रबोधन कहते हैं जिसके अंतर्गत तर्क और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास और वैज्ञानिक सोच का प्रसार हुआ इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ा इन सब बातों को हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे 7.1 धर्म संबंधी वाद विवाद और धर्म सुधार मध्यकाल के बारे में यह सामान्य धारणा है कि तब लोग धर्म थे और धर्माचार्यों एवं धर्म ग्रंथों के प्रति अंधश्रद्धा रखते थे आधुनिक काल में लोगों ने धर्मांधता से निकलकर तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार किया इस अध्याय में हम इन कथनों का परीक्षण करेंगे